गुड इवनिंग बच्चों, आई एम संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। एज यू आर सेइंग हियर, सुपर 60 एजुकेशन हब प्रेजेंट्स प्रैक्टिस बैच। एक ऐसी शुरुआत जो एक ऐसे समय में हो रही है जो बहुत सारे बच्चों को एडवांटेज दे सकते हैं, बिकॉज सभी एग्जाम्स आपके सीजिल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के आगे आपको फेस करने हैं। और एक ऐसे समय में जब प्रैक्टिस बैच सबसे अधिक हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को आपको फेस करना है। तो ये 25 क्वेश्चंस के एक एक सेट मैंने तैयार किए हैं, और ये तैयार किया गया, यानी ये अलग अलग जो क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेट्स में दिए गए हैं उनको मिला करके मैंने एक एक सेट बनाया है, ताकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करने की आपकी चाहत होती है, डिजायर होती है कि आप जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, वो आपको मदद करेंगे। ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है जो आगे आपको जरूर अच्छा लगेगा। जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट्स के डिजायर रखते हैं, उनकी चाहत यहाँ पूरी हो सकती है। आप जो कुछ भी करें, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व करते हैं तो निश्चित ही आपको वो फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज से प्रैक्टिस सेट, सेट फर्स्ट। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, आपको कॉमन एरर्स, सेंटेंस फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, नरेशन, वॉइस, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको फेस कर रहे हैं। तो जो पैटर्न आपका सीजिल सेचुशल का है, उसी पैटर्न पर यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बना कर दिए गए हैं। आपको जो करना वो ये है कि शुरू का 10 मिनट, यानी स्टार्टिंग जो 10 मिनट्स आपके हैं, आप उसे यूज करिए। मैं एक एक क्वेश्चन जो है आपको सामने दिखाता जा रहा हूँ, आप सोचते जाएं कि आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं सभी क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन दूंगा। मैक्सिमम 10 मिनट्स आपके पास होंगे, इन 10 मिनट्स में आपको सारे आंसर्स क्लियर करने, फिर मैं सारे आंसर्स आपको बताता चाहूं, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन समझाता चाहूं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लें आप, क्या एरर है यहां पे देख लें आप। ये मैं बढ़ाता जाऊंगा आगे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहिएगा। पब्लिक अटेंशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज रिसेंटली फोकस्ड ऑन अस्थमा because of its rapidly increasing prevalence affecting up to 1 in 4 urban children. kya error hai dekh le okay note kar lijiyega ya dekh lijiyega common error number 2 ye first name 2 hai yahan pe in spiritualism यानी जो अध्यात्मवाद है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज का एक पार्ट है टू कम्युनिकेट विद लाइफ पर्सनालिटीज इन द स्पिरिट वर्ल्ड। क्या गलत है? ए बी सी या डी? ओके, टर्मिनल्स आर लोकेशंस। टर्मिनल्स समझते होंगे, जहां बसेस वगैरह रुकती हैं उसे टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल्स आर लोकेशंस वेयर पैसेंजर्स एंड फ्रेट, फ्रेट मीन्स सामान, बोझ आपका, जो आपका बर्डन होता है, लोड होता है, वो फ्रेट होता है। तो टर्मिनल्स आर लोकेशंस वेयर पैसेंजर्स एंड फ्रेट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन व्हीकल आर मोर टू अदर्स। कटे जाइएगा, ए बी सी या डी? अपने से करेंगे आपको पता चलेगा आप किस पोजीशन पे हैं, आप कितने नंबर्स अक्वायर कर सकते हैं आउट ऑफ 25। सेंटेंस फिलर, क्वेश्चन नंबर 4, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम दैट ऑल द चार्जेस मीन्स आरोप, ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, एब्सॉल्व मीन्स मुक्त कर देना होता है। तो द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम दैट ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ जितने भी चार्जेस आरोप लगे थे उन सब से कोर्ट ने उसे एब्सॉल्व कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है। ए बी सी आर डी?
ओके आपको याद करना होगा एब्जॉर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशनल इस अवस्था में लगाते हैं। ध्यान रखिएगा एब्सॉर्ब यहां पे चॉइसेस के लिए यूज किया गया है। ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। सभी जो सिविलाइज्ड नेशंस हैं यानी सभ्य समाज के देश हैं ये सारे नेशंस अब इस प्रकार के प्रिजनर्स के साथ इस प्रकार के ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट है वो ह्यूमन ह्यूमेन ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमिलिएटिंग ए बी सी डी ट्रीटमेंट व्यवहार कौन सा व्यवहार ह्यूमन ह्यूमेन ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमिलिएटिंग। ओके सनोनिम्स हैं नॉर्मल लेवल पे आप कर सकते हैं सीएचएसएल लेवल सीजल लेवल पे एस्पियोनेस सनोनिम ढूंढना है वो लिनिएज होगा स्पाइन होगा प्लानिंग होगा या पायनियरिंग होगा। ओके एस्पियोनेस का सनोनिम कॉन्करेंस सहमति होती है जब आप किसी के प्रति अपना एग्रीमेंट शो करते हैं वो कॉन्करेंस होती है तो कर लेंगे ऑलरेडी मैंने आपको आंसर दे दिया। कॉन्सीटेड कॉन्सीटेड का आपको एंटरिंग चूज करना है प्राउड होगा ऑनेस्ट होगा मॉडेस्ट होगा मॉडर्न होगा। ओके एंटरिंग नंबर टू डिटरेंट डिटरेंट का एंटरिंग डिटर्मिनेंट होगा डिट्रीमेंट होगा एनकरेजमेंट होगा या एनरिचमेंट होगा डिट्रेंट का एंटरिंग। मैं भी आपको आंसर नहीं दे रहा हूं ताकि आप देख लें आपकी पोजीशन क्या बन रही है। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चन नंबर 10 टू कॉस्ट एज पर्संस का क्या अर्थ होता है इन इंग्लिश टू कॉस्ट एज पर्संस। इडियम्स नंबर 2 ऑन द कार्ड्स ये तो आना चाहिए आपको On the cards. Okay. Sentence improvement. The false appearance of the building. In building का जो false appearance है erected for the function. जो building उस function के लिए erect की गई थी मैंने बताया था erect की गई थी was blown away in the storm. Storm ने blown away उड़ गई वो फेंक गई वो तो फॉल्स अपीयरेंस के लिए क्या सही होगा एक्सटीरियर फैकेज स्केल्टन और नो इम्प्रूवमेंट। फॉल्स अपीयरेंस को आपको इम्प्रूव करना है बेहतर करना है ये जरूरी है जरूरी हो तो एक्सटीरियर लगा सकते हैं फैकेज या स्केल्टन। ओके आई विल बी विद यू इन वन क्वार्टर ऑफ एन आवर इन वन क्वार्टर ऑफ एन आवर व्हिच इज द बेस्ट A quarter of one hour, a quarter of an hour, या a quarter of hour, या no improvement. Okay? One word substitutions. Moderate level. Animals that feed on plants. But this is not necessary that you are just going to prepare only the answer of this question. You must prepare all the other three words. Animals that feed on plots easily. A person concerned with practical results and values. आना चाहिए आपको लेकिन यही नहीं कि इसका आंसर क्या है बाकी तीनों वर्ड्स भी आप तैयार करें धीरे धीरे. A person concerned with practical results and values. जो व्यवहारिक परिणाम और मूल्यों की प्रवाह करता है उससे संबंधित होता है. Sentence arrangement. Okay, picky words. देख ले वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन समझते हैं एक बार एक वृद्ध व्यक्ति था ही लिव्ड अलोन एज हिज ओनली सन हैड गॉन फॉर अवे टू स्टडी वो अकेला था क्योंकि उसका बेटा स्टडी करने चला गया था। ही नेवर ग्रम्बल्ड और कंप्लेन अबाउट एनीथिंग वो व्यक्ति किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता था। कॉल्ड योगियामा वो व्यक्ति योगियामा नाम से जाना जाता था इन ए स्मॉल विलेज इन जापान जो जापान के छोटे से गाँव में रहता था। He had a very positive view of everything that happened around him. जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द था हर चीज के प्रति वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था।
एक दो ऑप्शन आपने छाट लिए ही होगा तो आपके लिए पिकी वाले बहुत आसान है। एक कहानी के रूप में बनाने की कोशिश करें और फिर देखें कि हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद का ये पोर्शन है या एक हिस्सा कहानी का दिया गया है उसके बारे में और अधिक डिस्क्रिप्शन है जैसा कि यहां पर है, तो देख लें कहां पे पहला पॉइंट आपका मैच कर रहा होगा। ओके, देयर वॉज अ गर्ल हू सैंग, एक बच्ची थी जो गाती थी ब्यूटिफुली एट द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, बहुत सुंदर तरीके से हर सुबह एक मंदिर के पास। Daughter and taught her to sing before he spoke her first daughter. The music master used to happily recall, वो अक्सर याद किया करता था music master जो था। One day I went into the woods to pluck flowers, एक दिन मैं जंगल में गया फूल तोड़ने। I found this baby, मैंने इस बच्ची को पाया under a paper tree, paper पेड़ के नीचे। He picked her up carefully, उसने उसे सावधानी पूर्वक उठाया। Raised her lovingly, बहुत प्यार से उसको पाला पोषा। As if she were his, जैसे कि वह उसकी अपनी बेटी हो, यही होगा। कोशिश करिएगा। एक दो पॉइंट्स आपने तैयार कर लिया तो कर लिया आपने। चलिए फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको यह ढूंढना है चार शब्दों में करेक्ट कौन है, फैसे सब होता है ना, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। FASM, fascism, FASISM, fascism, या FASCISM, fascism, या FASCICM, fascism. Okay. This is voice, active voice and passive voice. You have to finish painting this fence by fire. हमेशा याद रखिएगा, indefinite है तो continuous की helping verb सोच लीजिएगा, continuous है तो continuous plus being की helping verb सोच लीजिएगा, परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सोच लीजिएगा, मॉडल है तो मॉडल प्लस टू मतलब मॉडल प्लस बी की हेल्पिंग वर्ब सोच लीजिएगा, और अगर कहीं इज टू एम टू हैव टू हैश टू है तो तुरंत उसके बाद बी जोड़ लीजिएगा पैसिव। एक क्लू है आपका सबसे अच्छा, जैसे यहां पे है यू हैव टू, तो तुरंत दिमाग में आए कि हमारा आंसर जो कुछ भी होगा वो केवल एक में से होगा, हैव टू बी से होगा या हैश टू बी से होगा, इन्हीं में से एक होगा, हैश टू बी या हैव टू बी, बाकी तुरंत लीव आउट कर दे, हटा दे उसे। फिर अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वगैरह मैच कराएं, अगर ये दो दो में हो रहा है तो फिर अलग से भी देख लें, और अगर एक ही में ऐसा ऑप्शन है तो आगे बढ़ने की आवश्यकता है आप। ओके, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, नरेशन आपका है, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, गाइड ने टूरिस्ट से कहा दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, जैसे आपने देखा दिस विल बी ये तय हो जाएगा कि विल बी वुड बी होगा, क्योंकि यहां सेट जो है आपका तो क्लियर है वुड बी होगा, बाकी अगर कोई विल बी वगैरह है तुरंत उसे लेव आउट करें छोड़ दें बाकी पे गौर करें। एक और चीज, यहां टोल्ड होगा और टोल्ड जब लगाते हैं टोल्ड के साथ आप टू नहीं लगा सकते हैं के वैस में, तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। कुछ क्लोज है देख लें, आसान है, आना चाहिए आपको इस लेवल पे, सीजल प्री और सिचुएशन वगैरह में आपको प्रश्न दिए जाते हैं। ओके, और ये लास्ट है क्लोजेस्ट, द नीड ऑफ द आवर इज टू डैश वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी जरूरत है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की, द स्ट्रेस शुड बी ऑन द वैल्यूज, यानी हमारा जो स्ट्रेस होना चाहिए जोर होना चाहिए वो उन नैतिक मूल्यों पर होना चाहिए सच एज पेशेंस की धैर्य सिखाया जाए, ऑनेस्टी ईमानदारी सिखाई जाए, टॉलरेंस सहिष्णुता सिखाई जाए, सिंपैथी सहानुभूति दिखाई जाए एंड लव और प्रेम प्रदर्शित किया जाए फॉर फेलो ब्रदरन एंड सिस्टर, जो हमारी भाई बहन है अर्थात सहपाठी वगैरह हैं उनके प्रति इस तरह की भावना रखी जाए। द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, इंडॉक्ट्रिनेट मीन्स किसी के मन में कुछ बैठाना, भावना भरना, समझाना, सिखाना। द स्टूडेंट मस्ट बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, यानी बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए टू कीप वैल्यूज, की वो मूल्यों अर्थात नैतिक मूल्यों को समझें एज बेस्ट प्रायोरिटी, अपनी एक प्राथमिकता के रूप में। द यंगस्टर्स नीड ओनली टू बी टॉट, यानी बच्चों को केवल ये सिखाया जाना चाहिए हाउ टू डेवलप देयर स्किल्स, कि अपनी वो क्षमताओं को यानी प्रशिक्षण की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, टैलेंट्स यानी सीखने की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं,
एबिलिटीज, मानसिक योग्यताओं को कैसे बढ़ाएं, दे मस्ट ऑल्सो बी टॉट, यानी उन्हें ये भी सिखाया जाना चाहिए हाउ टू यूज दीज स्किल्स, कि उन क्षमताओं को कैसे प्रयोग करें, टैलेंट्स उन विशेष योग्यताओं को कैसे प्रयोग करें, एंड एबिलिटीज और मानसिक योग्यताओं को कैसे प्रयोग करें फॉर द बेस्ट एंड बेटरमेंट ऑफ ऑल, यानी सभी के अच्छाई के लिए, कल्याण के लिए. वंस वैल्यूज बिकम एवरी वंस प्रायोरिटी ऑफ लाइफ इन लाइफ, जैसे जीवन में लोगों की प्रायोरिटी बन जाएंगे वो वैल्यूज, तो ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विल ऑटोमेटिकली डैश, तो फिर जितने भी नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक पहलू हैं, वो अपने आप डैश हो जाएंगे. द वर्ल्ड डैश नीड्स द पीपल, यानी विश्व को बहुत अधिक जरूरत है विद हाई वैल्यूज, जिनके पास बहुत अच्छे नैतिक मूल्य होते हो, टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ताकि संसार रहने के लिए एक अच्छा स्थान हो सके. चलिए इसे देखेगा, हम आ जाते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से. ये आपकी शुरुआत और ये पहला क्वेश्चन था. ओके, नाउ लेट्स बिगिन. पब्लिक अटेंशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी इस विकसित संसार में जो लोगों का ध्यान है, हैज रिसेंटली फोकस्ड, वो हाल ही में फोकस हुआ, केंद्रित हुआ है ऑन अस्थमा, अस्थमा पर, बिकॉज क्योंकि ऑफ इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग प्रीवलेंस, क्योंकि अस्थमा जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, मीन्स प्रचलन में आता जा रहा है, व्याप्त होता जा रहा है, इफेक्टिंग अप टू 1 in 4 अर्बन चिल्ड्रन, यानी शहर में जो बच्चे होते हैं उन 4 बच्चों में से एक बच्चे पर वो अपना क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है. आपने जो भी आंसर चूज किए होंगे कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या नो एरर है, लेकिन आप जानते हैं कि यहां पे जो इफेक्टिंग अप है वो गलत है. ये सही है, पब्लिक अटेंशन इन द डेवलप्ड वर्ल्ड सही हैज किसके लिए है, अटेंशन के लिए है, तो हैज सही है. रिसेंटली एडवर्ब है, रिसेंटली फोकस्ड सही है, यानी ये वर्ब है, ये एडवर्ब है आपकी. रिसेंटली फोकस्ड ऑन, फोकस ऑन होता है, सही है. फोकस्ड ऑन अस्थमा, सही है. बिकॉज यहां से आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज सॉरी, यहां से आपका एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि बिकॉज के बाद क्लॉज नहीं है आपकी, बिकॉज ऑफ है. जब बिकॉज के बाद सीधे सब्जेक्ट आता है तो वो क्लॉज शुरू होती है, बिकॉज के बाद ऑफ आता है तो प्रीपोजिशन होता है. तो बिकॉज ऑफ इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग प्रीवलेंस, यानी लोगों का ध्यान क्यों बढ़ता जा रहा है उस पर, बिकॉज ऑफ इट्स किसके लिए है, ये अस्थमा के लिए, सही है. बिकॉज ऑफ इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग, सही है, इंक्रीजिंग वर्ब है, रैपिडली एडवर्ब है. बिकॉज ऑफ इट्स रैपिडली इंक्रीजिंग प्रीवलेंस, सही है. इफेक्टिंग अप यहां, बल्कि आप ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग यहां पे प्रीवलेंस के नाउन के रूप में प्रयोग किया, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया, और ये एडवर्ब का इफेक्टिंग अप, इफेक्ट एक नाउन होता है, तो कैसे फिर यहां इफेक्टिंग अप हो जाएगा. जब कोई चीज किसी को नेगेटिव सेंस में प्रभावित करती है तो वो इफेक्ट अप नहीं करती है, अफेक्ट अप करती है, रहेगा अफेक्टिंग अप टू 1 in 4 अर्बन चिल्ड्रन. तो यहां इफेक्टिंग नहीं होगा, अफेक्टिंग हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चंस आपको शब्दों की ढाल मेल के आधार पर दिए जाते हैं, जैसे मैंने कहा था अफेक्ट और इफेक्ट का फर्क समझें आप. तो यहां इफेक्टिंग अपना होकर के अफेक्टिंग अप हो जाएगा. नेक्स्ट कॉमन एरर है, इन स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्मवाद में, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, यानी सेवा का एक रूप होता है, टू कम्युनिकेट विद लाइफ पर्सनालिटीज इन द स्पिरिट वर्ल्ड, कि आप स्पिरिट वर्ल्ड में यानी आत्माओं के संसार में कम्युनिकेट करें, अर्थात अपना संवाद स्थापित करें विद लाइफ पर्सनालिटीज. क्या करें इन स्पिरिचुअलिज्म, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विसेस, कोई एरर है नहीं. टू कम्युनिकेट विद लाइफ पर्सनालिटीज, विद लाइफ पर्सनालिटीज, पर्सनालिटीज क्या है, नाउन है. नाउन को लाइफ कैसे मॉडिफाई करेगा, लाइफ यहां क्या मतलब उनका है, कि वो जो जीवित पर्सनालिटीज हैं, सजीव हैं, उनसे वो कम्युनिकेट करें. ओके, तो यहां पे लाइफ पर्सनालिटीज नहीं होगा, कैसा होगा, लिविंग पर्सनालिटीज होगा. लाइफ भी नाउन है, पर्सनालिटीज भी नाउन है, तो ये लाइफ जो है पर्सनालिटीज को कंपाउंड नाउन की तरह नहीं मॉडिफाई कर सकता है, यू विल नीड एन एडजेक्टिव.
तो यहां विद लाइफ पर्सनालिटीज में होकर के लिविंग पर्सनालिटीज हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन एरर है टर्मिनल्स आर लोकेशंस, यानी वो प्लेसेस होते हैं, वो लोकेशंस होते हैं वेयर पैसेंजर्स, जहां जो यात्री होते हैं, एंड फ्रेट और उनके जो सामान वगैरह होते हैं, बोझ होते हैं, कैन बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन व्हीकल आर वो एक व्हीकल या एक मोड से तरीके से टू अदर्स फ्रॉम वन व्हीकल आर मोड, ये तो एक ही चीज हो गया फ्रॉम वन व्हीकल आर मोड टू अदर्स। वन व्हीकल आर मोड टू अदर्स नहीं होता है, वन व्हीकल आर मोड टू अनदर होता है। जैसे वन फ्रॉम वन एंड टू अदर नहीं होता है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर होता है। तो फ्रॉम वन व्हीकल आर मोड टू अदर्स नहीं होगा, फ्रॉम वन व्हीकल आर मोड टू अनदर हो जाएगा, यानी सी पोर्शन में एरर है। ये सेंटेंस फिलर है, फिल इन द ब्लैंक्स। द कोर्ट हैज एब्सॉर्ब्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम, कोर्ट ने उसके खिलाफ जितने भी आरोप थे उस सारे से कोर्ट ने उसे मुक्त कर दिया। एब्सॉर्ब्ड हिम ऑफ होगा, एब्सॉर्ब्ड हिम विद होगा, एब्सॉर्ब्ड हिम इन होगा, एब्सॉर्ब्ड हिम फ्रॉम। मैंने कई बार कहा प्रीपोजिशंस हुए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुए, नाउन से संबंधित क्वेश्चंस रेगुलरली आपके एग्जाम्स में दे जाते हैं, जरूर काम आएंगे, विश्वास रहे। द कोर्ट हैज एब्सॉर्ब्ड हिम, दो में से एक होगा। अगर आप याद हो एब्सॉर्ब्ड के साथ आप लगाते हैं या फ्रॉम लगाते हैं, दोनों लगाते हैं। इफ यू आर एब्सॉर्बिंग समवन फ्रॉम एनी गिल्ट फ्रॉम एनी क्राइम, अगर आप किसी को किसी दोष किसी अपराध से मुक्त करते हैं तो एब्सॉल्व फ्रॉम नहीं होता है, एब्सॉल्व ऑफ होता है। लेकिन अगर आप किसी को किसी जिम्मेदारी मीन्स किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसी ऑब्लिगेशन किसी बाध्यता से किसी ड्यूटी यानी किसी कर्तव्य से आप मुक्त करते हैं तो एब्सॉल्व फ्रॉम होता है। तो यहां कोर्ट उसे एब्सॉल्व कर रहा है चार्जेस यानी आरोपों से। You will have to use not from. You will have to use the court has absolved him of all the charges leveled against him. फिर से absolve someone of what? Guilt, crime. Absolve someone from duty, obligation and responsibility. Okay? तो यहां पर एब्सॉल्व हिम ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहां चार्जेस थे। नेक्स्ट ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन डैश ट्रीटमेंट, प्रिजनर्स के प्रति ट्रीटमेंट जो है वो दयालुतापूर्ण होना चाहिए। ह्यूमन मनुष्य को कहते हैं, ह्यूमेन दयालुतापूर्ण होता है, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय होता है और ह्यूमिलिएटिंग अपमानजनक होता था। आप समझ सकते हैं यहां क्या होगा, ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यानी प्रिजनर्स के प्रति जो दयालुतापूर्ण कंपैशन है सिंपैथेटिक बिहेवियर है वो होना चाहिए। जो कंपैशन और सिंपैथी से संबंधित बिहेवियर होता है वो ह्यूमेन होता है, मर्सीफुल बिहेवियर को हम ह्यूमेन कहते हैं। तो ऑल सिविलाइज्ड नेशंस नाउ बिलीव इन ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। सरनेम्स है इजी है, एस्पियोनेस मीन्स जासूसी होती है। जब भी गवर्नमेंट अपनी स्पाइस को नियुक्त करती है ताकि मिलिट्री या पॉलिटिकल प्रकार के एडवांटेज ले जा सकते हो तो वह जो स्पाई नियुक्त करती है इस प्रक्रिया को एस्पियोनेस कहते हैं, जासूसी। तो जासूसी आप समझते हैं स्पाइंग होता है, स्पाई मीन से ही जासूसी करना या जासूस होता है, तो एस्पियोनेस का स्पाइंग। ये लाइन प्लस एज से बना है, कोई एक व्यक्ति है उसकी एक लाइन चल रही है, एक 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 ये लिनिएज होता है मेंस वंशावली होती है आपकी। प्लानिंग समझते हैं, ये प्लान से बना है और पायनियरिंग, जब भी आप कोई नया आइडिया कोई नया मेथड प्रस्तुत करते हैं तो आप पायनियर करते हैं, या वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है वो पायनियर कहलाता है, जो किसी भी क्षेत्र में पहला व्यक्ति हो उस विचार उस तरीके को प्रस्तुत करने वाला वो पायनियर कहलाता है, उसी से पायनियरिंग है वो तरीका।
सननेस कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब सहमति, जहां पे कई सारे लोग यूनियन बना के एक यूनिटी शो करते हैं किसी चीज पर, एग्रीमेंट शो करते हैं, वो कॉन्करेंस होता है, मीन्स एग्रीमेंट हो जाए सनन के रूप में। करेंसी समस्त की मुद्रा होती है, ऑकरेंस कोई भी ऐसा इवेंट कोई घटना होती है, और कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जब आप मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं तो वह कॉन्फ्रेंस होती है। ये वर्ब के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में, जिस प्रदेश को या जिस चीज पर आपने विजय प्राप्त की है वो भी कॉन्फ्रेंस है, और आपने खुद जो कॉन्फ्रेंस की विजय प्राप्त की वो भी कॉन्फ्रेंस है। कॉन्सीडेड एंटोनिम चूज करना है। कॉन्सीडेड एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दम्भी होता है, घमंडी होता है, जो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है, who thinks that he is the best, जो सोचता है कि वही सबसे अच्छा है, वो कॉन्सीडेड दम्भी होता है। तो अगर कॉन्सीडेड में दम्भी घमंडी होता है तो प्राउड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑनेस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है, मॉडेस्ट हो जाएगा, मॉडेस्ट में विनम्र होता है, जो आदमी सीधा साधा विनम्र होता है वो मॉडेस्ट होता है, तो कॉन्सीडेड का एंटोनिम मॉडेस्ट हो जाएगा। मॉडर्न कौन होता है, जो आधुनिक होता है, नई चीजों में विश्वास करता है। डिटरेंट, डिटरेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कुछ गलत होने वाला है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस गलत होने के लिए डिटरेंट का काम कर रहा है, मीन्स उसके निवारक का, अवरोध का काम कर रहा है, यानी उसके रहते ही वो गलती नहीं हो सकती। If you are a member of your family and you are a person who doesn't let anything what happened wrong, जो किसी चीज को गलत नहीं होने देता है, वो deterrent होता है। And deterrent means अवरोधक, निवारक। तो इसका अगर अवरोधक यानी आप रोक रहे किसी चीज को, deterrent है आप, तो antonym क्या हो जाएगा, determinant हो जाएगा, निर्धारक, कतई नहीं, कोई relation नहीं आपका है। Detriment हो जाएगा, हानि क्षय कतई नहीं हो। एनकरेजमेंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि डिटरेंट मीन्स अगर अवरोधक, निवारक, तो एनकरेजमेंट मीन्स प्रेरित, यानी वो चीज जो प्रेरित कर रही हो वो एनकरेजमेंट है आपकी। एनरिचमेंट समझते होंगे, रिच में एन लगाया गया, वर्ब बना दिया गया और फिर उसे मेंट लगा के नाउन बना दिया गया। एनरिचमेंट समृद्धि, जब आप किसी को रिच करने की तरफ बढ़ रहे हो, समृद्ध करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को एनरिचमेंट। तो डिट्रेंट का एंटोनिम एनकरेजमेंट। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो बहुत बढ़िया होता है और अक्सर ये नंबर्स दिला देते हैं आपको, जैसे पहला है टू कॉस्ट एज पर्संस। टू कॉस्ट एज पर्संस मींस होता है किसी पर लांछन लगाना, अभियोग लगाना, तो टू कॉस्ट एज पर्संस का क्या हो जाएगा, टू एक्ट एज द पिलर ऑफ सपोर्ट, ना टू राइज एस्पिरेशंस, आकांक्षाओं को बढ़ाना, ना टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, बिल्कुल किसी पर गलत प्रकार की टिप्पणियां करना, मीन्स उस पर लांछन लगाना, टू कास्ट एस्पर्शंस होता है। ये भी नहीं होगा टू डिसॉल्व ऑल द डिफरेंस, डिफरेंसेस मीन्स भिन्नताएं, मतभेद, डिसॉल्व में समाप्त कर देना, यानी सभी मतभेदों को भुला देना, समाप्त कर देना, ये नहीं होगा। टू कास्ट एस्पर्शंस मीन्स टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स, यानी लांछन लगाना किसी पर, तोहमत लगाना। ये भी idiom है आपका, on the course, कई बार एग्जाम में यूज किया गया। on the course means होता है कोई चीज जो है likely to happen, which is likely to happen is called, it is on the course, यानी होना है, अपेक्षित है, ऐसा होगा, तो impossible, जब होगा तो impossible कैसे होगा। shocking का कोई relation नहीं है। evident अस्पष्ट होता है, कोई प्रमाण अगर बिल्कुल अस्पष्ट है तो वो evident है, तो क्या हो जाएगा, एंटीसिपेटेड, यानी अपेक्षित, जो आगे होने वाला है वो एंटीसिपेटेड होता है। तो ऑन द कार्स मीन्स एंटीसिपेटेड, यानी जो होना है आगे वो ऑन द कार्स होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शन वॉज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म, यानी जो फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग था, फॉल्स अपीयरेंस मीन्स आगे का मुखौटा, यानी आगे का जो मोहरा था, पूरा मुहार था, वो पूरा बिल्डिंग का इरेक्टेड फॉर द फंक्शन, जो फंक्शन के लिए इरेक्ट किया गया था, खड़ा किया गया था, वाज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म, तूफान आया और वो सब उड़ गया। तो फॉल्स अपीयरेंस क्या एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर में समथिंग दैट इज आउटसाइड, जो बाहर, जैसे किसी घर का जो बाहरी ढांचा होता है वो एक्सटीरियर होता है।
फैकेड क्या होता है? मुखौटा, जो आप अपने चेहरे को छिपाने के लिए यूज करते हैं वो फैकेड होता है, मुखौटा। स्केलेटन क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, यानी जो हड्डियों का पूरा ढांचा होता है वो स्केलेटन होता है, नो इंट्रो। तो फॉल्स अपीयरेंस यू कैन अंडरस्टैंड, फैकेड यानी आपका मुखौटा जो है यानी बाहरी हिस्सा, द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग जो है उसको फैकेड कहते हैं ना, फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग जो था वो उस तूफान में क्या हो गया, सब उड़ गया। तो द फॉल्स अपीयरेंस के स्थान पे द फैकेड ऑफ द बिल्डिंग हो जाए। ये भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आई विल बी विद यू इन वन क्वार्टर ऑफ एन आवर, इन वन क्वार्टर ऑफ एन आवर कैसे होता है याद करें, इन अ क्वार्टर ऑफ वन आवर, यहां पर अ क्वार्टर सही है तो वन आ गया, वन आवर नहीं होता है एन आवर होता है, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर बिल्कुल ये हो जाएगा, अ क्वार्टर एक चौथाई ऑफ एन आवर यानी एक हिस्से, क्योंकि आवर के पहले आप वन नहीं लगाते एन लगाते, आप कहते हैं ना हाफ एन आवर, तो वैसे ही अ क्वार्टर ऑफ एन आवर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स, क्या हो वो जानवर वगैरह जो प्लांट्स पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, साग सब्जियों पर आश्रित होते हैं, वो क्या है, इंसेक्टिवरस, नहीं इंसेक्टिवरस फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स यानी जो कीट भोजी होती कीड़े मकोड़े खाते हैं वो इंसेक्टिवरस होते हैं, ग्रैमिनिवरस फीडिंग ऑन ग्रास प्लांट्स यानी जो घास वगैरह खाते हैं वो ग्रैमिनिवरस होते हैं, कार्निवरस फीडिंग ऑन फ्लैश यानी जो मांस खाते हैं वो कार्निवरस होते हैं, हर्बीवरस हर्बीवरस साग सब्जी, ये जाएगा एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स यानी हर्बीवरस शाकाहारी, ये हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट, अ पर्सन कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल रिजल्ट्स एंड वैल्यूज, जो किसी चीज के व्यवहारिक पक्ष को समर्थन करता है उससे संबंधित होता है, जो व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होता है वो प्रोग्मेटिस्ट होता है, प्रोग्मेटिस्ट मीन्स व्यवहारवादी, जो किसी चीज के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखता है, न कि वट आइडियलिज्म सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखता है वो प्रोग्मेटिस्ट होता है यानी व्यवहारवादी। इकोलॉजिस्ट समझते हैं, जो इकोलॉजी का स्टूडेंट हो या उसका एक्सपर्ट हो वो इकोलॉजिस्ट होता है। फंडामेंटलिस्ट कौन होता है? कोई रिलीजन है उसका जो स्क्रिप्चर है यानी उसके जो सिद्धांत है उनमें जो अक्षरशः विश्वास करता है वो फंडामेंटलिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जो ऐसा व्यक्ति वन हु थिंक्स दैट हिज फ्यूचर इज गोइंग टू बी पास्ट यानी बेटर, यानी जिसे लगता हो कि उसका फ्यूचर बेहतर होने वाला है वो ऑप्टिमिस्ट होता है, मीन्स आशावादी होता है। ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, यहां मेहनत कर सकते हैं। Once upon a time there was an old man, क्या सही होगा? तुरंत मन में आ जाएगा he lived alone as it हो सकता है, he never grumbled or complained about anything हो सकता है, called Yuvyama इनमें से किसी के बाद नहीं आ सकता है, इन इसके बाद लेकिन नहीं आए, फुल स्टॉप्स है हर जगह, यानी जो called Yuvyama है ये कौन है? an old man, वही वृद्ध व्यक्ति। तो अगर इसके बारे में बताया गया कि once upon a time there was an old man called Yuvyama यानी सबसे पहले सी आएगा। समय बचाना हो तो अगर आप तय कर चुके हैं कि सबसे पहले सी आएगा तो आप चारों ऑप्शंस में देखें, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन सी से है तो अपना समय बचा लें, क्योंकि आप सर्टेन हैं कि यहां जब भी आएगा called Yuvyama है, उसकी वजह भी आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि यह उसके बारे में बताया गया है लेकिन हर एक के बाद फुल स्टॉप, और हर एक के बाद अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप के बाद यहां से आपकी क्लास कभी शुरू नहीं हो सकती है, यानी ये जो आपका सी पोर्शन है ये उसी ओल्ड मैन के बाद, यहां फुल स्टॉप देखिए नहीं, यानी इसी से जुड़ा हुआ क्लास है आपका ये। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड Yuvyama इन अ स्मॉल विलेज इन जापान, उसके बारे में बताया गया उसका नाम क्या था। अब यहां आप देखें सी से कितने पोर्शन है आपके, एक ही इसका है सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको कंफ्यूजन है तो सी के बाद ए जोड़ लें आप। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन कॉल्ड Yuvyama इन अ स्मॉल विलेज इन जापान, अब ए जोड़ें, ही लिव्ड अलोन सही है वो अकेला रहता था, एज हिज ओनली सन हैड गॉन फॉर अवे टू स्टडी, क्योंकि उसका इकलौता बेटा जो था वो अध्ययन करने के लिए बाहर चला गया था। फिर डी ले लें, ही हैड अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ
एवरीथिंग, हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता था, दैट हैपेंड अराउंड हिम, जो कुछ उसके इर्द गिर्द होता था। बी ले लें, ही नेवर ग्रम्बल्ड और कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, चूंकि इसका व्यू ही पॉजिटिव था कि तय है किसके बाद बी आएगा, ही नेवर ग्रम्बल्ड और कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, वो कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं किया करता था। यानी सी ऑप्शन के अनुसार ये आपका दूसरा सही है। There was a girl who sang, एक लड़की थी जो गाती थी, एक लड़की थी जो गाती थी, कैसे गाती थी, beautiful। अगर आपको confusion है कि A नहीं होगा तो यहां देखें, There was a girl who sang, daughter and taught her, कभी भी होगा कभी नहीं। There was a girl who sang, the music master used to, कभी नहीं, ये तो अलग क्लास है पूरी आपकी। There was a girl who sang, he picked her up, कभी नहीं। यानी देर वाज अ गर्ल हु सैंग, जब भी आएगा ए आएगा। अब हम चारों ऑप्शंस में गए और हमने देखा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं ए से, और संयोग से दोनों में ही सी है, इसका मतलब हमें ये क्लियर है कि ए के बाद सी आएगा। अब हम जोड़ लें, देर वाज अ गर्ल हु सैंग ब्यूटीफुली एट द टेंपल एवरी मॉर्निंग, फुल स्टॉप सी। द म्यूजिक मास्टर यूज्ड टू हैप्पी रिकॉर्ड, यानी म्यूजिक मास्टर जो था वो अक्सर याद किया करता था, क्या, वन डे, एक दिन, आई वेंट इन टू द वुड्स टू प्लक फ्लावर्स, कि मैं एक दिन जंगल में गया फूल तोड़ने के लिए, आई फाउंड दिस बेबी, मैंने इस बच्ची को पाया, अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल पेड़ के नीचे। फिर आपका है, अब हमको देखना है बी आएगा या डी आएगा, पहले बी से देखते हैं, डॉटर एंड टॉट, डॉटर कभी पहले आ ही नहीं सकता है, कैसे आ जाए बिना किसी रिफरेंस के, डॉटर एंड टॉट हर, कभी नहीं, द डॉटर होता, हिज डॉटर होगा, हर डॉटर होगा, कुछ नहीं यहां पे, यानी हमें यहां पे बी नहीं लेना होगा, तो हमें क्या लेना होगा, ए सी बी, ए सी डी, डी लेकर देखते हैं। ही पिक्ड हर, सोच के देखें, वो जंगल में गया फ्लावर्स पिक करने के लिए, उसने उस बच्ची को पाया अंडर अ पीपल ट्री, एंड ही पिक्ड हर अप केयरफुली, उसने उसे सावधानी पूर्वक उठाया, रेस्ड हर लविंगली, उसे अच्छे से उसका पालन पोषण किया, एज इफ शी वर हिज, एज इफ शी वर हिज डॉटर, यानी जब भी आएगा डी के बाद बी आएगा, तो डी बी यहां है या डी बी यहां, किसमें है, यहां, यानी ए सी डी बी हो जाएगा आपका, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग, एक पढ़ रहा आपका फासिज्म, 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 एक वर्ड कोई सही इसमें, तो आपको स्पेलिंग और याद हो, एफ ए एस सी आई एस एम होता है, फासिज्म मीन्स अधिनायकवाद, फैसिज्म बोलते हैं, तो फैसिज्म मीन्स अधिनायकवाद, जहां पे एक जैसे अथॉरिटेरियन एटीट्यूड होता है या फिर नेशनलिज्म का एटीट्यूड होता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को चला सकते हैं, तो इसे हम फासिज्म कहते हैं, यानी अधिनायकवाद, सी ऑप्शन हो जाए। ये वॉइस है, यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे, जैसे आपने देखा यू हैव टू है, तो सबसे पहले दिमाग में कर लें कि हमें हैव टू या हैश टू लेना है, दिस फेंस हैश टू बी फिनिश्ड, हो सकता है पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे, और देखो दिस फेंसिंग इज टू बी, तुरंत लेव आउट करें, हटा दें, हो ही नहीं सकता है कभी, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, हो सकता है पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, has to be, हो सकता है पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, has to be painted, this is wrong, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, has to be painted, कैसे हो सकता है, नहीं, by Friday you will have, मैंने कहा जब has to है तो will have कैसे हो, डी हटा दें, सी हटाएं और बी हटाएं, तो अपने आप हो जाएगा दिस फेंस, है ना, देखिए दिस फेंस आपका सब्जेक्ट है, दिस फेंस has to be finished painting by you by Friday, अगर ये जो तीसरा ऑप्शन है सी होता, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, है ना, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस, हैश टू बी या पेंटेड के बजाय अगर फिनिश्ड होता तो सही हो जाता, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैश टू बी फिनिश्ड बाय यू बाय फ्रेंड, तब हो जाता, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका इस वॉइस का। डायरेक्ट नेक्स्ट है, द गाइड सेड टू द टूरिस्ट, दिस विल बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, जब भी आंसर चुनना है वुड बी के द्वारा चुनना है, द गाइड टोल्ड टू, जैसे टोल्ड टू आपने देखा तुरंत आउट कर दिया, कोई नहीं सकता किसी भी सूरत में आप, द गाइड टोल्ड द टूरिस्ट, सही है,
that. That सही है, साधारण वाक्य है, it's already, you will have to use that. That सही है, this का आपने that लिया, वैसे this भी होता तो भी सही होता. That और will भी किस में बदल जाएगा, would be भी. तो सही है. The guide told the tourist that would be the best day of their life. There सही है, tourist के अनुसार. तीसरा भी देखते हैं. The guide told the tourist this that. नहीं होगा, गलत क्रम उल्टा है. The guide told the tourist that this will be कभी हो ही नहीं सकता. जब एक past clause है तो फिर ये कैसे आपका will be हो सकता है, यानी आपका हो जाएगा told to गलत है. The guide told the tourist that ये हो जाएगा that would be हो जाएगा. वैसे बेहतर होता that this would be तो भी बेहतर होता. ये close test आपका last test 21 से 25 तक देखिएगा और मेहनत करिएगा इसमें. The need of the hour is to dash value based expression. यानी आज की मांग है, आज की जरूरत है कि हम गुणवत्ता आधारित एजुकेशन क्या करें, गुणवत्ता युक्त एजुकेशन इम्पार्ट करें, प्रदान करें, गुणवत्ता आधारित एजुकेशन सस्पेक्ट करें, संदेह करें, गुणवत्ता आधारित एजुकेशन रिट्रीट करें, पीछे हटें, गुणवत्ता आधारित एजुकेशन रिजेक्ट कर दें. कभी नहीं सर, गुणवत्ता आधारित एजुकेशन को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं, अस्पष्ट है. एक और क्लू था, द नीड ऑफ द आवर इज टू इम्पार्ट, है ना, इम्पार्ट वैल्यू. तो इम्पार्ट मीन्स प्रदान करना होता है. तो द नीड ऑफ द आवर इज टू इम्पार्ट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी आज की मांग है हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रदान करें. द स्ट्रेस शुड बी ऑन द, यानी हमारा जोर किस पर होना चाहिए, शुड बी ऑन द वैल्यूज. हमें इस प्रकार के वैल्यूज पर जोर देना चाहिए सच है, जैसे कि पेशेंस यानी धैर्य से संबंधित जो वैल्यूज हैं उन पर जोर दें, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी संबंधित चीजों पर जोर दें, टॉलरेंस सहिष्णुता सहनशीलता पर जोर दें, सिंपैथी यानी सहानुभूति दया पर जोर दें, एंड लव फॉर फेलो ब्रदरिन एंड सिस्टर, और जो हमारे अपने सहपाठी भाई बहन हैं उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार पर हम जोर दें. द स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडॉक्ट्रिनेटेड, ये बच्चों के मन में भावना भरी जानी चाहिए, उन्हें समझाया जाना चाहिए टू कीप वैल्यूज, कि वो नैतिक मूल्यों को बनाए रखें एज डैश प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता. कैसी प्राथमिकता बनाए वो इसे मेयर प्राथमिकता बनाए, केवल प्राथमिकता बनाए, वो इसे टॉप प्रायोरिटी बनाए यानी मुख्य यानी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाए, लो प्रायोरिटी लो क्यों बनाएंगे, वो रेयर क्यों बनाएंगे. स्पष्ट आंसर है कि उन्हें जो वैल्यूज हैं उन्हें उनको टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, यानी सबसे अधिक जो प्राथमिक चीजें होती उनमें रखना चाहिए. द यंगस्टर्स नीड ओनली टू बी टॉट हाउ टू डे, यहां नीड नॉट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है यहां नीड नॉट होना चाहिए. The youngsters need not only to be taught how to develop their skill. यानी जो बच्चे उन्हें केवल यही नहीं सिखाया जाना चाहिए कि how to develop their skills, कि वो अपनी प्रशिक्षण युक्त क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, talents अपनी क्षमताओं यानी जैसे म्यूजिक में कंप्यूटर में इस प्रकार की क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, abilities मानसिक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, केवल यही उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए. They must also be taught. They must also be taught. बता रहा था यहां not only ऐसा कुछ होना चाहिए था. तो they must also be taught. उन्हें ये भी सिखाया जाना चाहिए how to use these skills. कि जो वो प्रशिक्षण युक्त क्षमताएं प्राप्त कर रहे हैं उनका उपयोग कैसे करें, talents उन विशेषज्ञताओं का उपयोग कैसे करें, and abilities मानसिक योग्यताओं का कैसे उपयोग करें for the best and betterment of all. For the loss and betterment, betterment का combination loss कैसे हो, for the misfortune and betterment, betterment का combination misfortune कैसे हो, for the welfare and betterment of all, ये positive word है ना आपका, हो जाएगा for the welfare and betterment of all. Detriment भी नहीं होगा, अभी आपने पढ़ा था detriment means हानि होती, ये सारे negative words loss, misfortune और detriment, केवल welfare positive है, और यहां जो हमारा सेंस था वो भी था
तो उन्हें ये भी सिखाया जाना चाहिए कि उन स्किल्स का, टैलेंट्स का, एबिलिटीज को कैसे सभी की भलाई और वेलफेयर यानी कल्याण के रूप में उन्हें प्रयोग करना चाहिए। वंस, वंस मीन्स यदि एक बार, यदि एक बार वैल्यूज बिकम एवरी वंस प्रायोरिटी, यानी यदि एक बार हर एक व्यक्ति के प्रायोरिटी में उसके वैल्यूज आ गए, नैतिक मूल्य आ गए इन लाइफ जर्नी, यानी यदि व्यक्ति ने एक बार अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया तो ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो जीवन के जितने भी नकारात्मक पहलू हैं विल ऑटोमेटिकली वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, वो स्वतः ही ड्विंडल हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, या वो स्वतः ही डेवलप करेंगे। अगर आप वैल्यूज को प्राथमिकता देंगे तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स जीवन के कैसे डेवलप करेंगे, क्या एक्सपेंड करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, क्या एनलॉर्ज करेंगे, कैसे बढ़ जाएंगे, वो नहीं बढ़ेंगे। आप देख रहे होंगे डेवलप, एक्सपेंड और एनलॉर्ज, ये तीनों यहां पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं। यहां हमें कैसा वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, क्यों, कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जीवन के जो नकारात्मक पहलू हैं वो स्वतः ही क्या होते जाएंगे। अगर आपने अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रायोरिटी में बना के रखा तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके जीवन के वो ड्विंडल होते जाएंगे, धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, यानी अमाउंट वगैरह में कम होते जाएंगे। द वर्ल्ड डैश नीड्स, संसार को बहुत जरूरत है पीपल, ऐसे लोगों की विद हाई वैल्यू, जिनकी नैतिकताएं बहुत ऊंची हो, टू मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव इन, ताकि संसार रहने के लिए एक अच्छा स्थान हो सके। क्या हो, द वर्ल्ड डायरली नीड्स, डायरली मीन्स दो सेंस होता है, एक डायरली मीन्स जो बहुत भीषण हो, बहुत खराब हो, बहुत बुरा हो, वो हो गया, एक डायरली और होता है वेरी अर्जेंट, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत जरूरी हो, बहुत अर्जेंट हो, जो इमीडिएट एक्शन चाहता हो वो डायर होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं डायरली होगा या हार्डली होगा, क्या आपको हाई वैल्यूज वाले लोगों की जरूरत हार्डली है, मुश्किल से है, ना कतई नहीं, नेगेटिव वर्ड है। क्या एबनॉर्मली होगा, एबनॉर्मली मीन्स असामान्य रूप से, कतई नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है। क्या एब्सेंटली होगा, नेगेटिव वर्ड से, आप देख रहे होंगे यहां पे आपको पॉजिटिव वर्ड से, यानी हाई वैल्यूज वाले लोगों की इस संसार को बहुत जरूरत है, जबकि बहुत जरूरत के लिए हार्डली नेगेटिव है, एबनॉर्मली नेगेटिव है, एब्सोल्युटली नेगेटिव है, जबकि यहां डायरेक्टली पॉजिटिव सेंस में, रैली में बहुत अधिक, यानी द वर्ल्ड डायरेक्टली नीड्स पीपल, संसार को बहुत अधिक जरूरत है विद हाई वैल्यूज, यानी ऐसे लोगों की, ऐसे पीपल की जो ऊंची नैतिकताएं रखते हो, बड़े लेवल पे नैतिकता का पालन करते हो, ताकि संसार हमारे लिए क्या बन सके, रहने के लिए अच्छा बन सके। एक छोटा सा प्रयास है, ये मेरा पहला प्रयास है इस तरीके का अपना सेट बना करके आपको देना, आगे ये चीजें कल से और बेहतर होती जाएंगी, जो आज कमियां रहेंगी उन्हें कल और बेहतर किया जाएगा। आप अपने सुझाव जरूर दें दो चीजों पर, पहला कि क्या वो जो 10 मिनट्स के आसपास मैंने आपको दिया शुरू में, ताकि आप अपने को पहले जज करें, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या ये सही होगा कि 10 मिनट पहले आपको दिया जाए और फिर मैं उसके सारे आंसर्स बताऊं, या फिर मैं सीधे एक एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता जाऊं। अपने विचार जरूर दें, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत जरूरी होते हैं, 99.99% जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए आपके पॉजिटिव होते हैं, 0.1% कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी ऐसे होते हैं जो मेरे नेगेटिव होते हैं, बल्कि कमेंट्स तो नेगेटिव नहीं होते हैं, हाँ कुछ एकाध बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शायद मेरे से दिक्कतें होती हों, मैं कोशिश करूंगा मैं उनकी शिकायतों को भी धीरे धीरे दूर कर सकूं, जो कमियां हैं मुझे बताएं कि हाँ यहाँ पे और इम्प्रूव किया जा सकता है, मैं और बेहतर करने की मैं कोशिश करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है मैं आपकी सफलता में अगर छोटा सा माध्यम ही बन जाऊं तो मेरे लिए पुण्य का काम होगा, कहीं कहीं ईश्वर की एक ब्लेसिंग हो, ताकि मैं इसमें आपका सहयोग कर सकूं। तो अगर कोई भी आप अपने सुझाव देना चाहते हो प्रैक्टिस सेट पे, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं रेगुलरली कुछ आपको करा दूं, ताकि आपके सीजन में, सीएचएसएल वगैरह में, एमटीएस में आपकी काम आ जाए, और विश्वास करें ये बहुत जरूरी है।
अगर आप अपने आधे घंटे पौन घंटे आप देते हैं 45 मिनट्स के आसपास, ये चीजें आपके हमेशा काम आएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं सर प्रैक्टिस सेट्स कराएं, प्रैक्टिस सेट्स कराएं। इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक एक चीज से समझ चीज मिल जाएगी। घर पे अपनी रिविजन करते रहें, मेहनत करते रहें, और यहां मेरे साथ अगर आप उतना समय देते हैं तो निश्चित ही आप बेहतर। एक सबसे बड़ी चीज, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि आप 25 में आउट ऑफ 25 आप 20 के आसपास हैं, 18 के आसपास हैं, 15 के आसपास हैं, कितने। अगर आप 15 के आसपास हैं यह एक पॉजिटिव हो सकता है, बट ये बेटर एटीट्यूड नहीं होगा, बेटर मार्किंग नहीं होगी। अगर आप 18 के पास हैं ये बेटर मार्किंग होगी। अगर आप 20 के आसपास होंगे ये मोर देन बेटर होगा। लेकिन अगर आप 22 या उसके ऊपर हैं तो आप बेस्ट हैं, करीब करीब समझिए आप बढ़िया चाह रहे हैं। तो आप ये एग्जामिन करने की कोशिश करें कि आप कितने नंबर्स कर ले रहे हैं। वो 10 मिनट के आसपास मैंने इसीलिए आपको दिया कि आप अपने से पहले देख लें कि आप अपने से, क्योंकि वहां जो पेपर देंगे आप वो आप जानेंगे नहीं कौन सा पेपर आया। वैसे यहां जो मैं आपको पेपर दूंगा वो आप जानेंगे नहीं कौन सा पेपर मैं दूंगा। आप इसे जज कर सकते हैं कि जो कुछ ही दिनों बाद आपको एग्जाम में अपियर होना है उसमें आपकी पोजीशन क्या बन गई। तो क्या वो 10 मिनट के आसपास जो मैं दे रहा हूं वो दूं या मैं बंद कर दूं, सीधे मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं। इससे आपका टाइम बचेगा 10 मिनट, लेकिन इससे आप जज नहीं कर पाएंगे कि आपकी पोजीशन क्या बन रही है। तो जरूर मैं अपेक्षा करूंगा आप बच्चों से कि आप इसे बताइएगा मुझे कि क्या किया जाए। मैं मेजॉरिटी के ऊपर तय करूंगा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी अपनी सोच अगर पूछी जाए मैं चाहूंगा 10 मिनट आपको दिया जाए, भले इससे समय आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा पर दिया जाए ताकि आप अपने एग्जामिन कर सकें, आप इंट्रोस्पेक्शन कर सकें कि हाँ ठीक है ये सही है या गलत है। चलिए कल फिर से रात 8 बजे एक नए प्रैक्टिस के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ फिर से मैं संतोष श्रीवास्तव फिर से आपको मिलूंगा। गुड नाइट, थैंक यू।